हेलो एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गजानन कीर्तिकर का एक लेटर शेयर करेंगे। गजानन कीर्तिकर ने SLBC महाराष्ट्र को बैंकर्स की प्रॉब्लम्स के रिलेटेड लेटर लिखा था, जिसके रिप्लाई में SLBC ने 7 तारीख को लेटर लिखा था और उसके बाद 14/7 को गजानन कीर्तिकर ने दोबारा से लेटर लिखा है। लेटर में लिखा गया है कि आपने 5 तारीख के लेटर का रिस्पॉन्स तो काफ़ी जल्दी दे दिया, लेकिन उसमें जो भी मुद्दे उठाए गए थे उसके बारे में आपने कोई भी बात नहीं की है और ना ही उसका कोई सोल्यूशन निकाला है। इसीलिए मुझे दोबारा से आपको ये लेटर लिखना पड़ रहा है। पहले ही बैंकर्स के साथ काफ़ी डिस्पैरिटी हो रही है, उन्हें फ्रंटलाइन COVID-19 वर्कर्स का दर्जा नहीं मिल रहा है। इसके साथ साथ ना ही बैंक एम्प्लॉयज़ कोरोना वॉरियर्स में आ रहे हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ कोरोना वायरस की चपेट में आ रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोरोना वॉरियर्स का दर्जा नहीं मिल रहा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के कारण मैं ये समझ सकता हूँ कि बैंक्स में आपका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है, लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रही है आपको बैंक्स की तरफ से RBI और बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास ठीक से बात करनी चाहिए। ग्राउंड रियलिटीज़ को आप ही RBI को समझा सकते हो और जो भी बैंक एम्प्लॉयज़ के द्वारा डिफ़िकल्टीज़ फेस की जा रही हैं उसके बारे में भी SLBC ही जानता है। गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी सारी पॉलिसीज चलाई गई हैं जो कि डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की ओर से हैं, लेकिन फिर भी बैंकर्स की सुरक्षा के लिए कुछ कॉमन गाइडलाइंस इशू की जानी चाहिए। अभी सभी बैंक अलग अलग गाइडलाइंस इशू कर रहा है, लेकिन पर ये गाइडलाइंस एक समान होनी चाहिए। अगर SLBC तमिलनाडु कॉमन गाइडलाइंस इशू कर सकता है तो SLBC महाराष्ट्र क्यों कॉमन गाइडलाइंस इशू नहीं कर सकता? इसके साथ साथ SLBC ने बैंकर्स को उनके पेट पर छोड़ दिया है और एक मूक दर्शक बना हुआ है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो और भी बैंक एम्प्लॉयज़ कोरोना वायरस का शिकार होंगे और उसके कारण भी ब्रांचेस बंद होंगी। ऐसी स्थिति होने से पहले ही हमें संभल जाना चाहिए और बैंकर्स के लिए कॉमन गाइडलाइन इशू की जानी चाहिए ताकि वो COVID-19 के विक्टिम ना बने। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि SLBC महाराष्ट्र बैंकर्स के लिए कॉमन गाइडलाइंस इशू करें ताकि बैंकर्स को जो भी कन्फ्यूजन्स हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, वो ख़त्म हो सके। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।